तो फाइनली अब इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है वो बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक्शन लिया है। गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी में बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। तो आप सभी के मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा, भाई गवर्नमेंट ने फेम टू सब्सिडी में ऐसा क्या चेंज करा है? तो बात करेंगे इसी टॉपिक पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आप देख रहे हैं ईवी माइंड। तो फाइनली आज हम बात करेंगे फेम टू सब्सिडी के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं फेम टू सब्सिडी में। तो पूरा डिटेल में बात करेंगे, वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि वीडियो एंड में आपको पता चलेगा गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, और साथ ही साथ में आपको पूरी कंप्लीट नॉलेज होगी फेम टू सब्सिडी के बारे में। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो अब हम बात करते हैं भाई फेम टू सब्सिडी क्या होती है और फेम टू सब्सिडी किसको मिलती है। तो पहले बात करते हैं फेम टू सब्सिडी क्या होती है। देखो, फेम टू सब्सिडी एक इंसेंटिव होती है जो गवर्नमेंट ईवी मेकर्स को देती है। फेम टू सब्सिडी किसको मिलती है? ईवी मेकर्स को, जैसे कि लाइक टीवीएस, एथर, ओला, हीरो वेडा, ओकिनावा, हीरो इलेक्ट्रिक, इन सबको क्या मिलती है? फेम टू सब्सिडी मिलती है। अब इसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं। फेम टू सब्सिडी दी क्यों जाती है? फेम टू सब्सिडी इसलिए दी जाती है ताकि कस्टमर को, मुझे, आपको जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है थोड़ा सस्ता बैठे और हम ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिक स्कूटर को प्रमोट करें। फेम टू सब्सिडी गवर्नमेंट ईवी मेकर्स को देती है। तो बात करते हैं इसकी क्या कंडीशन होती है। फेम टू सब्सिडी की 3-4 कंडीशन होती है, मैं आपको सिंपल वर्ड में समझाने की कोशिश करता हूं। तो अब हम बात करते हैं फेम टू सब्सिडी कैसे मिलती है। फेम टू सब्सिडी क्या होती है? एक इंसेंटिव होती है जो ईवी मेकर्स को मिलती है, जैसे कि टीवीएस, एथर, ओला। अब भाई इसकी कंडीशन होती है, पहली कंडीशन ये है कि आपका जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होना चाहिए वो 150,000 से नीचे का होना चाहिए। दूसरी कंडीशन ये है, आपके इलेक्ट्रिक स्कूटर में जो मटेरियल यूज करा है वो मेड इन इंडिया होना चाहिए। 50% से ज्यादा मटेरियल मेड इन इंडिया होना चाहिए। अगर आपको इसके ऊपर डिटेल वीडियो देखना है फेम टू सब्सिडी की क्या क्या कंडीशन होती है और फेम टू सब्सिडी क्या होती है, तो मैंने इसके लिए अलग से डिटेल वीडियो बना के रखा है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाके देख सकते हैं। क्योंकि अगर मैं डिटेल में बताने बैठ गया तो भाई वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो हम बात नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। तो अब हम बात करते हैं भाई फेम टू सब्सिडी मिलती किस पे है। देखो, फेम टू सब्सिडी हमें इलेक्ट्रिक स्कूटर पे नहीं मिलती है, फेम टू सब्सिडी हमें मिलती है बैटरी पे। इलेक्ट्रिक स्कूटर में, इलेक्ट्रिक बाइक में जो बैटरी होती है उस पे हमें फेम टू सब्सिडी मिलती है। तो अब हम बात करते हैं भाई गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं, पहले क्या था और अब क्या है। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल बना के रखा है, तो पूरा हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे फेम टू सब्सिडी में भाई क्या चेंज हुआ है। तो अब हम बात करते हैं न्यू वाली फेम टू सब्सिडी क्या है और ओल्ड वाली फेम टू सब्सिडी क्या है। पहले हम बात कर लेते हैं ओल्ड वाली फेम टू सब्सिडी में। जो फेम टू सब्सिडी होती है वो बैटरी पे मिलती है पर किलो वॉट आवर के हिसाब से। तो जो ओल्ड वाली फेम टू सब्सिडी थी उसमें गवर्नमेंट पर किलो वॉट आवर के हिसाब से 15,000 रुपए देती थी। अब भाई जैसे एग्जाम्पल लेते हैं टीवीएस आईक्यूएस में, टीवीएस आईक्यूएस में जो बैटरी है वो 3.4 किलो वॉट आवर की है, 3.4 किलो वॉट आवर की है। अगर हम 3.4 को इंटू करें 15,000 से तो कितना आएगा? 51,000 रुपए। मतलब 51,000 फेम टू सब्सिडी टीवीएस आईक्यूएस में मिलती है। अब सपोज करते हैं किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर में 10 किलो वॉट की बैटरी है, अगर हम उसको 15,000 से इंटू करें तो कितना आ गया? 150,000। क्या उसको 150,000 की फेम टू सब्सिडी मिलेगी? ऐसा नहीं है। तब देखा जाएगा 40% ऑफ द एमआरपी, तब उसको जो 10 किलो वॉट वाला है तो उसको फेम टू सब्सिडी मिलेगी उसके इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस पे। मतलब जितना प्राइस होगा उसका 40% फेम टू सब्सिडी गवर्नमेंट उसको देगी। अब बात करते हैं न्यू वाले का, न्यू वाले में क्या चेंज हुआ है। देखो, जो ओल्ड वाले में 15,000 का अमाउंट था पर किलो वॉट आवर का, अब वो डिक्रीज हो गया है। गवर्नमेंट ने अब न्यू वाले में कर दिया है 10,000 पर किलो वॉट। अगर हम एग्जांपल लेते हैं टीवीएस आईक्यूएस का, टीवीएस आईक्यूएस में जो बैटरी है वो 3.4 किलो वॉट आवर की है। अगर 3.4 किलो वॉट आवर को हम
10 से इंटू करेंगे तो कितना आएगा 34,000। पहले कितना सब्सिडी मिल रहा था टीवीएस आईक्यूएस में 51,000, अब कितना मिल रहा है 34,000। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगर हम बात करें एमआरपी की, दूसरी कंडीशन की, तो दूसरी कंडीशन जो है, पहले आपको 40% मिलता था, अब आपको 15% मिलेगा एमआरपी पे फेम टू सब्सिडी। अगर किसी इलेक्ट्रिक स्कूटर की व्हीकल की सपोज करिए बैटरी 10 किलोवाट की है, तो वहां पे देखा जाएगा उसकी एमआरपी की कॉस्ट कितना है। पहले एमआरपी की कॉस्ट में जो 40% मिलता था, अब आपको 15% मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस कंडीशन में जो फेम टू सब्सिडी है वो गवर्नमेंट ने चेंज कर दी है। इससे अब क्या होगा, इससे एक ही कंडीशन मतलब एक ही सिचुएशन उठती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है वो 33% इंक्रीज हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो प्राइस है वो 33% इंक्रीज हो जाएगी। अब आपको एथर, ओला, टीवीएस ने ऑलरेडी अपनी प्राइस इंक्रीज कर दी है। आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देख सकते हैं। एथर भी अपना प्राइस इंक्रीज करेगा, ओला भी अपना प्राइस इंक्रीज करेगा। यहाँ पे फेम टू सब्सिडी थोड़ी सी रिड्यूस हो गई है। पुरानी वाले में आपको 15,000 पर किलो वॉट आवर के हिसाब से मिलता था और 40% एमआरपी देखी जाती थी। अब नई वाली में 10,000 पर किलो वॉट आवर के हिसाब से देखा जाएगा और 15% एमआरपी प्राइस देखा जाएगा। तो ये थी भाई छोटी सी अपडेट फेम टू सब्सिडी के बारे में, छोटा सा वीडियो फेम टू सब्सिडी के बारे में, गवर्नमेंट ने क्या क्या चेंजेस करे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।